क्योंकि रैलिस रेडिको के बाद रिलायंस हम देखने की लगातार तेजी और धमाका फीचर फोन वाले मार्केट में। फीचर फोन वाला जो मार्केट है करीब करीब 25 करोड़ का यूजर बेस है अजय, जी हाँ, और 999 रुपये, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि ये मैन्युफैक्चर होता कैसे, इसमें क्या पॉसिबल है, वाइबल है ये? आपको याद है कि ये एक डेढ़ साल पहले लेट चल रही है गाड़ी, बाय द वे, ये फोन वाली। करेक्ट। और जब इन्होंने लॉन्च किया था, मुकेश जी ने एक बड़ी प्यारी लाइन बोली थी, क्योंकि आप पॉलिटिक्स को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं तो शायद इससे समझ पाएंगे। 2G मुक्त भारत कर देंगे हम, 2G मुक्त, मुक्त भारत, क्योंकि और ये कहते थे कि ये जो फोन है ना, जो गांव में, गांव खेड़े, एकदम जैसे कहते हैं ना देहात में जो फोन यूज होता है, वो कहते हैं कि वो क्यों हाई क्वालिटी फोन ना यूज करें। और हो रहा है, अगर हम, मैं छोटे शहरों में काफी ट्रैवल करता हूँ, हर तबके का आदमी जो ना हाई एंड फोन और बड़े सारे फीचर्स वाला, तो प्राइसिंग उन्होंने नीचे वाली रखी है, बट इसमें म्यूजिक है, इसमें मैसेजिंग है, वीडियोस भी है, बहुत तो कुछ है। मुझे लगता है कि, और अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज जो कंपनी ने शेयर की है वो ये है कि ये बताया है कि हम 7 जुलाई से ना बीटा ट्रायल शुरू कर रहे हैं फर्स्ट 1 मिलियन फोन का, 10 लाख फोन का, और वो 6,500 तहसील, ये नहीं बताया कि कितने शहर, कितने जिले, तहसील के लेवल पे जाके इनकी प्लानिंग है ये। हाँ, आगे हम इस पे बात भी करेंगे कि स्टॉक पे क्या इम्पैक्ट होगा और इसके सारे फीचर्स को एनालाइज भी करेंगे। विनीत बोलिंजकर हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन मीनवाइल स्टॉक में तो ब्रेकआउट आ रहा है। इनफैक्ट किरण जानी हमारे साथ हैं और किरण जानी से हम बातचीत शुरू करते हैं। किरण, बाजार पे राय तो लेते ही हैं आपसे, बट रिलायंस भी क्योंकि चर्चा हो रही है और इसका वेटेज इतना ज्यादा है बेंचमार्क्स में कि ये खींचा ले जा रहा है इंडेक्स को ऊपर की तरफ, कैसे देखते हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर रिलायंस की अगर हम बात करें तो एक ट्रेडिशनल फॉलिंग ट्रेंडलाइन चार्ट के ऊपर कहीं ना कहीं ब्रेकआउट के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ मल्टीपल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न रिलायंस के डेली चार्ट के ऊपर हम देख रहे हैं। स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और कहीं ना कहीं मोमेंटम इंडिकेटर में भी जो एक पिवट पॉइंट बना था उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली कोई भी यहाँ पे अगर गिरावट आती है या तो करंट मार्केट प्राइस से भी किसी को लॉन्ग करना चाहिए तो कर सकते हैं। 2580, 2590 एक ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस था, जैसे ही उसने क्रॉस किया है चांसेस है कि एक शार्प अपसाइड हम ऊपर में 2700 तक एटलीस्ट देख सकते हैं। तो 2615 के आसपास की सेटलमेंट है, कोई भी डिप आता है नीचे में 2580, 2590 तक है तो करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 2560, 2560 का मेंटेन कीजिए और ऊपर में एटलीस्ट 2700 तक जाने की गुंजाइश रखता है। तो काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है रिलायंस, डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। निश्चित तौर पर लॉन्ग करने की सलाह है और कल के सत्र में भी हम तमाम एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे थे, तो एक कंसेंसस व्यू था कि रिलायंस यहां से चलने के लिए तैयार है और जुलाई सीरीज में आप 2800 तक के टारगेट्स की भी उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन आज खबरों के दम पर कहां पर एक्शन